महान गोलकोंडा किला भाग एक। दोस्तों, मैं एक यात्री हूँ। मैं छुट्टियों में देश भ्रमण करती हूँ। क्या आप भी अलग अलग जगहों को देखने जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे महान देश का एक अद्भुत इतिहास है? विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति, प्रांत और भाषाओं ने इस देश को महान बनाया है, और मुझे गर्व है कि इस देश की अनेकता में भी एकता है। भारतीय कला और वास्तुकला समय के साथ विकसित हुई है और हमेशा विभिन्न युगों में लोगों के जीवन की जानकारी देती रही है। प्राचीन सभ्यता के विभिन्न स्मारकों जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, फलकनुमा पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस आदि में एक कहानी है। आइए हम राम और श्याम से मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और हैदराबाद में अपने चाचा जी के घर आए हैं। तीनों विश्व प्रसिद्ध गोलकोंडा किला देखने आए हैं। ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी वास्तुकला और सौंदर्य को देखकर राम और श्याम चकित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य गोलकोंडा किले का अन्वेषण करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना है। वाह, कितना सुंदर और विशाल किला है। मुझे तो आश्चर्य है कि लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। इस किले में तो दो मंजिलें हैं। यह कब बनाया गया था? क्या उस समय दो मंजिला इमारतें बनती थी? यह 1200 ईस्वी में मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। इसके पश्चात विभिन्न शासक यहाँ रहने लगे और किले में समय समय पर सुधार करते रहे। चाचा जी, मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि कितने मजदूर इसके निर्माण कार्य में कार्यरत हुए होंगे। किले की मजबूत दीवारों को तो देखो। हाँ, वास्तव में क्या आप जानते हैं कि इस किले ने हैदराबाद के शासकों के घर के रूप में काम किया। दुश्मनों के हमलों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने इतना मजबूत किला बनाया। यदि आप ध्यान दें, दुश्मन के खिलाफ खुद को बचाने के लिए मोटी दीवारें, कील के साथ मजबूत फाटक और कई गढ़ हैं। गढ़? ये क्या है चाचा जी? देखिए, क्या दोनों किले की चार दीवारी पर अर्धवृत्ताकार निर्माण देख सकते हैं? हाँ, मैं देख सकता हूँ। हर गढ़ में कुछ छेद हैं। हाँ, वो गढ़ हैं। इन गढ़ों का इस्तेमाल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इस किले में 87 गढ़ हैं और कीलों वाले ये द्वार हाथियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए थे। क्या वाकई? हाँ, यह किला इतना बड़ा है। ये मुख्य द्वार इसकी दीवारों और गढ़ों ने मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए किले में प्रवेश करना भी मुश्किल बना दिया था। कहा जाता है कि अपनी सेना के साथ इतने बड़े किले में प्रवेश करने में उन्हें लगभग 9 महीने लग गए। 9 महीने? क्या ये एक लंबा समय नहीं है? और इतने समय तक कैसे? वास्तव में यह किले का चमत्कार है और प्रवेश औरंगजेब के बल्कि इसलिए क्योंकि कुली कुतुब शाह वंश के अधिकारी ने धोखे से औरंगजेब सेना को अंदर घुसने दिया।
क्या उसने फाटक खोला और औरंगजेब की सेना को अनुमति दी? क्या उसे औरंगजेब द्वारा किले में प्रवेश करने के लिए पैसे दिए गए थे? हाँ, उसने मुगल सेना के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिया। क्या उसने पैसे लिए थे? यह सिर्फ एक अनुमान है। अच्छा, क्या उन दिनों के दौरान हमारी रुपए जैसी मुद्रा थी? हाँ, उस समय के दौरान सिक्के थे। यह सिक्कों का प्रचलन भारत में प्राचीन काल से है। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि मैंने प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले कांसे और चांदी के सिक्कों के बारे में पढ़ा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। प्राचीन काल से ही सिक्के थे और सिक्कों में हमारे महान देश के इतिहास की विभिन्न अवधियों में बैल, घोड़े, देवी, देवता, अरबी लेखन आदि जैसे कई शिलालेख हुआ करते थे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे आधुनिक काल के सिक्के किन धातुओं से बने हैं? क्या आप महत्वपूर्ण देशों में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा की सूची बना सकते हैं? हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम आगे कहाँ जाएंगे? आओ बच्चों, हम किले के अंदर जाएं और देखें कि हम और क्या खोजेंगे। इस वीडियो में आपने गोलकोंडा किले की अभेद्य संरचना के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम गोलकोंडा किले के कुछ अन्य दिलचस्प पहलुओं को जानेंगे। तब तक मिलते हैं।